हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आंगनबाड़ी आशा, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज हम आपको सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, देश के बहुत से राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का सरकार ने वादा किया था, और वहाँ पर अभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। राजस्थान 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी गहलोत सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था, घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। सरकार बने हुए लगभग 2 साल होने को हैं, अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सका था, जिसको लेकर सरकार पर लगातार दबाव भी बन रहा है। अब सरकार ने 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए देखते हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और उसके इंतजाम को लेकर वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक ड्राफ्ट बनाकर दिया है। इसके साथ ही सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य में पे माइनस पेंशन अथवा स्थायी वेतन पर नियुक्ति नहीं देगी। वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारी पे माइनस पेंशन अथवा स्थायी वेतन पर कार्यरत हैं। शासन सचिवालय में विभिन्न विभागों में ही करीब 1000 सेवानिवृत्त कर्मचारी काम कर रहे हैं। राज्य के डॉक्टर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बिड्डी कला का कहना है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर सरकार बहुत से निर्णय करेगी। यानी दोस्तों, जिन विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारी काम करते हैं उन्हें अब काम नहीं दिया जाएगा और उनके स्थान पर संविदा कर्मचारियों को अब नियमित कर दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर सीएम द्वारा बनाई गई मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कल्ला हैं। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कार्यरत 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को डाटा बेस तैयार कराया है। कर्मचारियों को डाटा बेस तैयार होने से लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी मिल सकेगा। तो अब दोस्तों, राजस्थान के जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित करने को लेकर सरकार काम कर रही है। 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वोट बैंक पक्का करने की कोशिश। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 25 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार और अब 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की कमजोर स्थिति को देखते हुए सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर सक्रिय हो गई है। तो दोस्तों, अब राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा नियमित किया जाएगा, चाहे वो मदरसा टीचर हों या फिर जानकारी के अनुसार मनरेगा के 60,000, 24,000 विद्यार्थी, 27,000 पंचायत सहायक, 2400 लोक जुम्बिश कर्मचारी, 15,000 पैरा टीचर और मदरसा टीचर, इसके अलावा जो अन्य कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्मचारी हों, उन्हें सरकार नियमित करने वाली है। कुछ राज्यों ने नियमित किए संविदा कर्मी। बिहार सरकार ने 5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित किया है। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने 10 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया है। राजस्थान सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में संविदा कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन कराने के बाद प्रदेश में इन्हें नियमित करने का मन बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान के संविदा कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, जल्दी ही संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण का लाभ मिल सकता है। सरकार इस पर ड्राफ्ट तैयार कर रही है और आने वाले समय में इस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये थी आज की संविदा कर्मियों की मुख्य अपडेट। आपके राज्य की खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।